द्वारा, बट यहाँ पे बैंडेजेस यूज कर रहे हैं। पोस्टेड यहाँ पे एक है, क्या यहाँ पे हिल बैटल देखने को मिलेगी, बिकॉज सोल मॉडल ही वेंट दैट डोमिनेशन। तीन कल्स वहाँ पे ले चुका, डेड को भी नॉक डाउन करा वापस। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। मुझे अभी भी वो दिन याद है जिस दिन मोदी जी आए टीवी पर, 8:30 बजे हुए थे, अराउंड 8:30 था रात को, और एक बहुत ही धमाकेदार अनाउंसमेंट उन्होंने की कि वी आर गोइंग इनटू कंप्लीट लॉकडाउन। एंड बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था, थोड़े से हिंट्स आ रहे थे, रूमर्स वर गोइंग अराउंड कि ऐसा होने वाला है, पर एक्चुअली जब उन्होंने पब्लिक टीवी पे बोल दिया कि आपके पास 2-3 घंटे हैं फिर लॉकडाउन शुरू होने वाला है, That was a big blow to us, right? कि हमारा प्लान्स थे, हमारे इवेंट्स चल रहे थे, सबसे बड़े इवेंट हमारे शुरू हो गए थे, वी वर 2-3 डेज इन टू इवेंट्स ऑल्सो, और लोगों के कॉल आ रहे हैं, क्लाइंट के कॉल आ रहे हैं, मैं क्लाइंट्स को कॉल कर रहा हूँ, उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हो क्या रहा है इस टाइम पे कंट्री में, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था एंड काफ़ी प्रॉब्लम्स हमें एकदम फेस करनी पड़ी कि क्या हम इस कम्प्लीट ऑफलाइन सेटअप से कैसे हम ऑनलाइन मूव करेंगे। तो वो चीज़ों के बारे में थोड़ी हम बात करें, तो वन ऑफ द मेन थिंग्स वाज कि एक तो ऑफिस, आप जहाँ पे काम करते हैं, चाहे वो इवेंट हो या ऑन ग्राउंड इवेंट हो या आपका ऑफिस हो, आपने वहाँ पूरा सेटअप किया हुआ है, आपको पता है कि कैसे ए टू बी जाना है यहाँ पे और यू नो लाइव कैसे जाना है। इमेजिन जस्ट लूजिंग दैट कम्प्लीटली, राइट? एंड द वेन्यूज एंड यू नो द लोकेशंस एंड द बिल्डअप, द सेट्स दैट यू हैव मेड, इमेजिन लूजिंग दोज ऑल टुगेदर, राइट? कि आपके वो इंटरनेट कनेक्शन वहाँ लगे हुए हैं, सब आपने पेड को हो चुके हैं, आपको 50% 100% एडवांस जा चुके हैं, वो हमें कैंसिल करने पड़े, और कम्प्लीटली एट होम ऑनलाइन प्रोडक्शन का हमें सेटअप करवाना पड़ा कि इस लेवल के इवेंट्स को कंटिन्यू करने के लिए वी हैड टू फिगर आउट अ वे टू डू ऑल ऑफ दिस ऑनलाइन, एंड ऑनलाइन फ्रॉम होम। आप सोचिए, घर से प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे थे, पर सोल्यूशन क्या था इस टाइम पर? वी वर स्टक, कम्प्लीटली स्टक, और हमारे पास सिर्फ कुछ घंटों का ही टाइम था जिसमें हम एक क्विक डिसीजंस लेने पड़े हमें उस टाइम पे। हमने इक्विपमेंट्स मूव करवाए लोगों के घर, सामान कैरी किया मिडल ऑफ द नाइट बिफोर 12 o'clock, जिससे पहले लॉकडाउन स्टार्ट होने वाला था। काफ़ी चेंजेस किए, काफ़ी स्ट्रगल की उस टाइम पे, और काफ़ी ब्रेन स्टॉर्मिंग भी करनी पड़ी हमें उस टाइम पे कि हम विद इन दिस स्पैन ऑफ टाइम कि कैसा हम वर्क फ्लो चेंज करें ताकि हमारा काम इफेक्ट ना हो। दिस वॉज नॉट ओनली जस्ट माई प्रॉब्लम, इट वॉज अ नॉर्डविन गेमिंग प्रॉब्लम, एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैड टू मैनेज इन देयर ओन क्रिएटिव वे, बट दिस इज वेयर द रियल जर्नी ऑफ द लॉकडाउन फॉर अस बिगेन। तो लॉकडाउन स्टार्ट हो चुका था और हमारी टीम ऑफिस में नहीं थी, एंड सब कुछ यहाँ वहाँ हो चुका था, एंड वी हैड नो क्लू कि हम आगे क्या करने वाले थे। एंड इट वॉज रियली डिफिकल्ट फॉर अस टू मैनेज, बिकॉज हर दिन नए प्रॉब्लम आ रहे थे एंड उसका कुछ तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, राइट? सो हमने डिसाइड करा एंड अक्षत रेकमेंडेड इट दैट हम एक डिस्कॉर्ड चैनल बनाएंगे जहाँ पर कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ होंगे। इनफैक्ट हमारी अटेंडेंस भी वहीं पर होने लगी एंड हम यूजुअली बहुत टाइम अपना डिस्कॉर्ड पर बिताते थे अपनी टीम्स के साथ, एंड इट रियली हेल्प्ड अस टू ओवरकम द इशू ऑफ कम्युनिकेशन विच आई मेंशन्ड अर्लियर। सो नाउ दैट वी वर वर्किंग फ्रॉम होम, वी डिडंट न्यू कि कितने टाइम तक हमें काम करना है, एंड वी वर इवेंचुअली वर्किंग फॉर द एंटायर डे, एंड इट रियली रियली इम्पैक्टेड आवर पर्सनल लाइव्स। वी वर देयर एट द साइट, हम लोग, एवरीथिंग वाज रनिंग ऑन प्लान, सब शेड्यूल के हिसाब से चल रहा था,
And then suddenly hotel team, they came and they said that we are blocking the hall and you cannot do the event today. We have been informed by the police station, local police station, that you can't do anything today. I mean, we went to police station, we spoke about this thing ki aaj ka event hum kar lete hain, let's think about ki aage karna hai ya nahi karna. I mean, we'll come to you for the permission ki agar event kar sakte hain ya nahi kar sakte. But they were really adamant about that ki nahi, aaj nahi kar sakte, we have mandate from the government, and everything was stopped at the very moment. And as compared to other department, meri team office mein sabse badi hai. Hum content shoot karte hain, jo घर से करना आई थिंक इम्पॉसिबल टास्क है. हमारे ढेर सारे टीवी शो भी हैं जिनका टाइम पे जाना बहुत ही ज़रूरी है. सो टीवी के कंटेंट के साथ साथ हमारे ढेर सारे टूर्नामेंट्स थे जो कि अब ऑनलाइन शिफ्ट हो चुके थे. ओके और ऑनलाइन शिफ्ट होने के कारण हमारे उस टूर्नामेंट को सपोर्ट करने के लिए जितने कॉन्टेंट बनाने थे विद द सेम क्वालिटी लेवल, ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था. हमारे सारे एडिटर्स अपने घर पर बैठे हुए थे, और घर पर आप अगर बैठते हो तो आपके पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं फेस करने के, लाइक इलेक्ट्रिसिटी, लाइक इंटरनेट, बेटर इक्विपमेंट नहीं होना, और ढेर सारी प्रॉब्लम लाइक कम्युनिकेशंस, टीम से बात नहीं हो पा रही है, फ़ोन नहीं लग रहे हैं, नेटवर्क इश्यूज, ऐसे ढेर सारे इश्यूज हमने फेस किया. इन दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी वर वेरी स्केयर्ड बिकॉज हमें अपने क्लाइंट्स को हैप्पी करना था एंड वी हैड टू मेक आवर कम्युनिटी हैप्पी, और हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं थे बिल्कुल भी टू प्रोड्यूस अ वेरी गुड क्वालिटी ब्रॉडकास्ट, और उसकी वजह से वी हैड टू रिलाई ऑन ऑनलाइन सॉल्यूशंस एंड क्लाउड प्लेटफॉर्म्स. लेकिन फिर भी हम घर से नहीं कर पाते थे बिकॉज सबके इंटरनेट पे रिलाई करना पड़ता था हमें, एंड एवरीबडीज इंटरनेट वाज नॉट दैट रिलायबल. वेरी फ्यू पीपल हैड अ वेरी गुड इंटरनेट एट होम, और उसकी वजह से हमें बहुत बहुत प्रॉब्लम फेस होती थी ड्यूरिंग द ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट. यू नो उस टाइम पे ये सोचा कि अगर चलो ब्रॉडकास्ट करना भी है तो कैसे ब्रॉडकास्ट करें, क्या हम डिस्टेंट ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, इक्विपमेंट है या नहीं है, इंटरनेट चलेगा या नहीं चलेगा, क्या ये सब कुछ होगा, ये क्लाइंट पैसे देगा या नहीं देगा, स्पॉन्सर पैसे देंगे नहीं देंगे, अगर नहीं आएंगे तो हम लोगों को सैलरी कैसे दें. छोटी मतलब नॉट बेन चाहे जितना मर्जी करें, छोटी कंपनी है ना, हम बहुत बड़ी कंपनी तो है नहीं. We were in the middle of executing one of the biggest esports events in the country when Prime Minister announced the lockdown. One of the biggest challenges that we had was managing all the teams that had come down for the show. Of our own people who had to be sent back home, but guess what? The biggest challenge is they need very fast internet connection for our broadcast to work from remote locations. So that's the first thing that we did. Our first preference was within a week, how do we get everyone up and running from their individual homes? That meant calling on our partners, getting internet connections done, at times even laying cables to their houses in the middle of the lockdown, but it had to be done. They always say andhere ke baad hi roshni aati hai, to humne kaha ki yaar kuch to karna hai, kuch to jugaad lagayenge, kuch to mehnat karenge, kuch to tikdam lagayenge, to humne kaha karenge, Indians hain, jugaadu hain, upar se Nordwin hain, to hum to har halat mein koshish karni thi, kuch na kuch to karna tha. आई थिंक दो हफ्ते लगे थे हमें, इवेंचुअली सेटिंग बैठ गई थी, सब सिंक में चला गया था, क्वालिटी मेंटेन होने लग गई थी, और वो शॉक एलिमेंट चला गया था उस टाइम पे लॉकडाउन का, और इवेंचुअली वी गॉट टू अ पॉइंट वेयर वी वर कंफर्टेबल टू मैनेज दीज क्वालिटी इवेंट्स ऑनलाइन कम्प्लीटली. पर एक बहुत ही बड़ी खबर आई उस टाइम पर, द इंटरनेशनल 10, दुनिया का सबसे बड़ा ई स्पोर्ट्स इवेंट कैंसिल हो चुका था. बड़े बड़े ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, ESL, DreamHack, Overwatch League, League of Legends, सब बंद होते रहे. और यू नो जब जिस दिन TI10 की अनाउंसमेंट हुई, मुझे पता चला कि यार ये भी बंद हो गया, तो हमें लगा कि यार ये तो पूरा दुनिया तहस नहस हो गई है, और फिर हम छोटी सी इंडिया के अंदर एक कंपनी है, हम क्या करेंगे अकेले जब पूरा दुनिया बंद हो गई. जैसे ये लॉकडाउन अनाउंस हुआ और हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, हमने उनको सॉल्व करने भी सीखी, और उसी वजह से हमने अपनी हमारी स्किल्स भी इनफैक्ट बढ़ते गए. एंड विद दैट इट्स नॉट ओनली अस बट आल्सो द प्लेयर्स हु हैज अडैप्टेड टू द न्यू नॉर्मल व्हिच इज ऑनलाइन. वी केम अप विद द सॉल्यूशन कि लेट्स ट्रांसफर द पीसीज टू द टीम मेंबर्स एंड उनके घरों से हम लोग स्ट्रीम रन करेंगे. Anyhow, the players were there at the home. कोई भी साइट पे नहीं था बिकॉज
It was already a COVID situation, very less people were coming at the event. So we transferred the PCs somehow, police se permission lekar, apni khud ki gaadiyon mein we transported the PCs to our team members. Then we started running the streams daily. And after a month or two, what we did is we humne apne office ke studios build karna shuru kiye. वहाँ पे डिपेंडिंग ऑन द इवेंट वी चेंज द ब्रांडिंग ऑफ द स्टूडियोज वी बिल्ट न्यू स्टूडियोज एज वेल और स्टूडियोज से वी स्टार्टेड डूइंग द न्यू इवेंट्स दैट टाइम सो व्हाट वी डिड वाज वी यूज सम क्लाउड प्लेटफॉर्म तो क्लाउड प्लेटफॉर्म से हमें हेल्प क्या हुई हमें उससे इंटरनेट पे रिलाई नहीं करना पड़ा अपने घर के इंटरनेट पे एंड उससे हम ऑनलाइन हाई क्वालिटी प्रोडक्शंस रन कर पाए टू मेक आवर कम्युनिटी हैप्पी टू मेक आवर क्लाइंट्स हैप्पी सिंस द कम्युनिटी वॉन्टेड their favorite players to play online and watch them every day and uski wajah se hum jo nahi kar pa rahe the lockdown mein we were able to do it and we started our full remote productions from home fir uske baad thoda lockdown kam hua we started working from studio from there on we did a lot of events staying at the same place we were 6 people in total including 3 talents and 3 production people 6 people staying in the same place for around 1 month and we did at least 5 to 6 online events completely from one particular studio location because and we were not moving outside we were just went out for essentials nothing else to humne decide kiya ki hum ab ghar se shoot karenge ghar se content banayenge but jo sabse badi problem हम सबको कंटेंट बनाने के लिए बेटर कैमरा बेटर इक्विपमेंट की जरूरत होती है जो कि हम घर घर तक जाके हमारे सारे टैलेंट हमारे सारे होस्ट तक हम नहीं पहुंचा पा रहे थे जिसकी वजह से हमारा कंटेंट की क्वालिटी काफ़ी इफेक्ट हो रही थी फिर मैंने प्लान किया हमने डेली एक टीम सिंकअप कॉल रखा जिसमें सारे प्रोड्यूसर्स सारे एडिटर्स डिजाइनर्स मेरी टीम के सारे मेम्बर्स होते थे और उसमें हम प्लान करते थे कि हमें आज एग्जैक्टली क्या करना है हमने अब वैसे कंटेंट बनाना शुरू किया जो एक घर पे बैठ के विद द लिमिटेड रिसोर्स हम बना सकते हैं और जो इस सिनेरियो को थोड़ा सूट भी करेगा सो इस दौरान हमने काफ़ी नए शोज़ बनाए जो इस सिनेरियो को काफ़ी मैच करते हैं हमने अपना डेडलाइन 48 घंटे पहले का सेट किया ताकि अगर कोई कुछ प्रॉब्लम्स आती है कुछ भी गलत होता है तो हमारे पास टाइम हो हम उसको फिक्स कर पाएँ और क्लाइंट का डेडलाइन मैच कर पाएँ ये टाइम काफ़ी क्रूशल था मेरे डिपार्टमेंट के लिए बट इससे हमने बहुत नई चीज़ें सीखी हमने नए तरीके अपनाए और फाइनली ओवरकम किया है इस सिचुएशन को सो द थ्री बिगेस्ट प्रॉब्लम्स दैट वी सॉल्व्ड एज अ रिजल्ट वाज एवरीवन वाज वर्किंग फ्रॉम होम एवरीवन वाज मोटिवेटेड इनफ दे हैड ऑल द टूल्स दैट दे रिक्वायर्ड वी वर अवेयर ऑफ एवरीथिंग दैट वाज हैपनिंग वी डिवाइडेड द कंपनी अमंगस्ट लेट्स से 6-7 टास्क फोर्सेज where we made team leaders who were assigned the tasks and they came together when they started reporting out on a weekly basis everything was happening so while the world was reeling with this lockdown and a lot of companies were feeling the heat for us work didn't really get affected sure we were not working in the same place but work was going on as usual ek mera favorite footballer hai uska quote hai ki सिर्फ मुझे 18 साल लगे ओवरनाइट सक्सेस बनने के लिए तो जो मेहनत आती है ना वो हमेशा फल लाती है हमने इतने सालों से अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करी थी जो हमारी टीम थी जो जिसने मेहनत करी इस टाइम पे धीरे धीरे करके हर चीज़ें ठीक होने लग गई एक आफ्टर इफेक्ट था लॉकडाउन का कि सारे के सारे लोग गेमिंग खेलते थे घर पर सारे के सारे जो पहले छुपके खेलते थे अब ड्राॅइंग रूम में खेलने लग गए लोग ब्रॉडकास्ट देखने लग गए हमारी व्यूअरशिप बढ़ने लग गई मल्टीपल हंड्रेड्स ऑफ परसेंट से हमारी इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई हमारा जो स्पॉन्सर बेस है हमें फ़ोन करने लग गया कि वैसे तो हर चीज़ बंद हो गई है लेकिन सारे के सारे वापस करने लग गए कि कुछ ना कुछ तो करते हैं हमारे पार्टनर माउंटेन ड्यू हमारे पार्टनर HP हमारे पार्टनर रेड बुल जैसे सारे के सारे वापस आए और कहा कि कुछ तो करेंगे इस टाइम के अंदर बिकॉज गेमिंग इस टाइम पर बहुत अच्छी कर रही है हमारी जो प्रीमियरशिप जो चलती है उसके अंदर इतनी उसकी प्लेयर बेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया एयरटेल जैसे दोस्त आ गए सारे हमारे पास और वो कहते हैं हम चलते रहे और हमारा साथ में लोग जुड़ते रहे और ये काफ़िला बढ़ता गया और धीरे धीरे करके हम आज आ गए हैं जहाँ पे गेमिंग और ई स्पोर्ट्स भारत के अंदर ये नहीं समझाना पड़ता है क्या ये पहले मतलब कोविड से पहले होता था कि लोग कहते थे ये है क्या और क्या इसका कुछ फ़ायदा है या नहीं है आज के दिन ये बोल सकते हैं कि गेमिंग क्या है और वो लेजिट है या नहीं है और ई स्पोर्ट्स लेजिट है या नहीं ये क्वेश्चन नहीं रहा वट दिस लॉकडाउन डिड वॉज इट गॉट अस अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू बी इन फ्रंट ऑफ पीपल एंड टेल आर स्टोरी सो बिटवीन अक्षत एंड मी
we got into in front of a lot of people speaking at various webinars. We were interviewed by a lot of magazines and we just got our story out to the market. So what the lockdown did essentially was that it expedited our next 1 year journey in 3 months of lockdown. हमारा जो स्टाफ है काफ़ी यंग और डायनामिक स्टाफ है जो किसी भी चैलेंजिंग सिचुएशन के ऊपर कंट्रोल ला सकता है यहाँ पर. तो काफ़ी एक जो स्ट्रेंथ है हमारी वो इसी में है कि काफ़ी न्यू एज लोग हैं हमारी कंपनी के अंदर इस टाइम पर. तो काफ़ी फ्लेक्सिबल हैं, अंडरस्टैंडिंग है और ऐसा नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो एकदम बिल्कुल ही मतलब गिव अप कर देते हैं. तो जो ये स्ट्रेंथ है हमारी टीम की टू बी एबल टू अडैप्ट टू एनी सिचुएशन, आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द की थिंग्स that helped us getting across from this challenging situation. I think challenges are good for you. They make you tough and overcoming them was a major learning curve for us. I think we're back on track. Check, check. Mic check. Hello, 1, 2. One, joining you. It's been 8 long months and we finally arrived to this date. This is our stage, that's our crew. While there is no audience here, with full precaution, we are still going ahead with the event. So let's get into it.